लुधियाना में लाडोवाल टोल प्लाजा के निकट स्कूटर व मोटरसाइकिल पर आए तीन बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियारों के बल पर पीआरटीसी बस के कंडक्टर को लूटने की कोशिश की गई। कंडक्टर के विरोध किए जाने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और 20,000 कैश व चैन लूटकर फरार हो गए। वहीं सूचना देने के बावजूद काफी समय तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो यात्रियों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यात्रियों के प्रदर्शन से नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हालांकि बाद में जाम खत्म करवाकर ट्रैफिक को दुरुस्त कर दिया गया। बस कंडक्टर साहिल के अनुसार तीन बदमाशों ने उसे बस को रोकने का इशारा किया। बस रोकते ही बदमाशों ने कंडक्टर को नीचे उतार लिया और मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके गले में पहनी हुई चैन को उतार लिया गया। इस पर बस ड्राइवर और सवारियों के शोर मचाने पर बदमाश असलहा दिखाते हुए मौके से फरार हो गए। पटियाले तो अंबरसर जा रहे थे। अच्छा। ते लाडोवाल टोल टैक्स क्रॉस किया। अच्छा। तीन मुंडे थे, मोटरसाइकिल दो जने एक स्कूटरी से। अच्छा। आके बराबर गड्डी रोक के गाला कढ़न लग गए। मैं बारी च गया भज के, मां की हो गया। तो मैं गाला कढ़न लग गए दोबारा, फिर थप्पड़ मारे उन्होंने मेरे। तो गल च चैन सी, चैन तो चैन खो के लै गए, पता नहीं गिर गई उन्होंने तो कितने गिर गई। पैसे थे थोड़े मोटे वो लै गए थे। पाँच सत्त हज़ार होगा। ठीक है। हाँ जी। के बंदे के लगते थे नशेड़ी सके मुंडे, पिस्तौलां भी सी दो कट्टे पहला। फिर अगले अगे जाके अं गड्डी रोकी, ड्राइवर उतर गया नाल भी पुछे इन्हू की हो गया भी, कह तो मारिया भी तो गाला कढ़न लग गए। फिर तो उन्होंने को दो कट्टे से, कट्टे ना डरा लग गए वो। अच्छा। कहते गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। फिर अभी भज गए बाहर। साहिल ने आरोप लगाया है कि उन्होंने तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी थी, मगर 1.5 घंटा गुजरने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसी के चलते बस घटना स्थल पर ही खड़ी कर दी गई और लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। SHO जसबीर सिंह ने बताया कि करीब 8 बजे बस को रोककर कंडक्टर से लूट की कोशिश करने का मामले का पता चला है। कंडक्टर साहिल का आरोप है कि उसके गले की चैन छीन ली गई है। जब उसने रोड जाम करने की बात की गई तो उनका कहना था कि साहिल और अन्य सवारियां आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने बस को बीच सड़क पर ही खड़ा करके जाम लगा दिया था। PRTC दी बस हैगी, उहदा कंडक्टर है जिहड़ा साहिल, उहदे कहण मुताबिक उह तो कैश वगैरह कुछ स्नैच होया गा। कैश 20,000 रुपया दस रहे, बाकी वेरीफाई कर रहे हैं किन्ना कैश। CCTV फुटेज दे विच दो तीन मुंडे आउंदे आ, एक एक्टिवा ते दो मोटरसाइकिल। बाकी जल्दी FIR रजिस्टर करके उन्हां नूं राउंड अप कर रहे हैं। नहीं, ये हले क्लियर नहीं हैगा, कर रहे हैं वेरीफाई। बस ये अपना लुधियाना साइड तो आ रही, जलंधर साइड नहीं जा रही। N1 लाइव के लिए स्पेशल डेस्क रिपोर्ट।